हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक खुश बाश और आबाद होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। तो आज की वीडियो जो है स्किन केयर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। हम लोग होम रेमेडीज़ अप्लाई करते हैं और बनाते हैं, बनानी चाहिए। होम रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। आजकल मोस्टली जो हमारी न्यू जनरेशन है वो फील होता है कि वो ज़्यादा होम रेमेडीज़ की तरफ आ रहे हैं। तो लेकिन होम रेमेडीज़ के साथ साथ जो मदर्स हैं और जो वर्किंग वुमेन हैं और जो हाउसवाइफ्स हैं जिन्होंने घर भी संभालना है, काम भी करना है और खाना भी बनाना है, मतलब सब कुछ करना है और बच्चों को भी देखना है, तो उनके लिए ये थोड़ा टफ हो जाता है कि वो जो है ना होम रेमेडीज़ बनाए। क्योंकि लोग देख तो लेते हैं वीडियोस, लेकिन मुझे लगता है कोई 100 में से एक होगा जो उनको। तो मैं कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ कुछ मंथ से, तो उनका जो कि डेली रूटीन में मैं करती हूँ और कभी छोड़ भी देती हूँ अंदर से, ये नहीं कि रोज़ ही कर रही हैं। तो मैं वो प्रोडक्ट्स आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और जैसा कि विंटर चल रहा है तो विंटर में स्किन की केयर बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। स्टार्ट करते हैं। खैर इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता, ये आप कर सकते हैं कि फेस क्लिनजर या फेस वॉश जो आपको सूट करता है ना आप वो यूज़ कर लें। मैं ये इस वजह से यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन एक्ने प्रोन है और ये मुझे भी मोटा सा दानू भी निकल रहा है, दानू। तो मुझे, मैं इस वजह से ये वाला यूज़ करती हूँ। इसमें सैलिसिलिक एसिड है और ये ऑलमोस्ट $17 to $18 का आया है और ये काफ़ी बड़ी इसकी बॉटल है, पैकेजिंग काफ़ी बड़ी है, तो इस वजह से ये मुझे पसंद है। और ये, और उसके बाद ये जो हैं ये तो बहुत ही मज़े की चीज़ है। ये वाले जो हैं ये आपको अमेज़ॉन से, जो लोग जिनके पास अमेज़ॉन की एक्सेस है आप लोग उधर से इसे बाय कर सकते हैं। और ये मैंने तो एक ही लिया था, मैंने तो यहाँ से डॉलरामा से लिया है। लेकिन सबसे मज़े की बात ये है कि जब आप फेस वगैरह अपना धोते हैं या अगर आपने बेस वगैरह या मेकअप रिमूव करना, इतना कमाल का है। और आप इस तरह के 2-3 रख लें ना तो ये होता है कि आपके मुंह धोते वक्त पानी यहाँ यहाँ तक अक्सर आ जाता है, तो वो थोड़ा मैसी सा हो जाता है, कपड़े गीले हो जाते हैं और इस तरह बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। तो उस हिसाब से कोशिश करें कि जब आप अपना क्लिनजर वगैरह अप्लाई करते हैं तो उसके बाद फेस ना ही ड्राई करें तो बेहतर है। मतलब वो अपना जिस तरह से आराम से थोड़ी देर में फेस ड्राई हो जाता है उसे उसी तरह से हो लेने दें। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, टोनर हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी स्किन इवन टोन करता है ये। और जिस तरह पैचेस वगैरह हो जाते हैं इन जगहों पर और आईज़ पे इधर और यहाँ पर हो जाते हैं बहुत से, वाला टोनर बहुत अच्छा है। ये एक तरह का ऑर्गेनिक है, ये क्लेयर्स है, डियर क्लेयर्स। और इसके अंदर जो है इन्होंने हेलोरोनिक एसिड डाला हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसकी स्मेल इतनी माइल्ड है मैं क्या बताऊँ कि मैं जब इसको ऐसे करती हूँ ना तो मज़ा आ जाता है। तो सबसे पहले मैं टोनर अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ और सुबह में, जब सुबह मैंने मॉर्निंग में मुंह हाथ धोना होता है, उठ के फ्रेश होना होता है, उसकी जगह पे आप रोज़ वाटर अप्लाई कर सकते हैं। रोज़ वाटर भी बहुत अच्छा टोनर है, आप वो ज़रूर अपने फेस पे अप्लाई करें अगर आपके पास ये नहीं है तो। लेकिन मुझे ये पसंद है इस वजह से मैं ये अप्लाई कर लेती हूँ। तो ये क्लेयर्स का है, इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ये देख लें। और इसकी स्मेल इतनी मज़े की, इतनी मज़े की, और ये आपकी स्किन को इतना ज़्यादा हाइड्रेट करता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत अच्छा सीरम है ये, आपकी स्किन ऑयली है या आपकी स्किन ड्राई है या आपकी स्किन सेंसिटिव है, किसी भी तरह की आपकी स्किन है, आप ये वाला ज़रूर सीरम अप्लाई करें। दी ऑर्डिनरी का सीरम है, नियासिनामाइड 10% एंड जिंक 1%। ये वाला सीरम बहुत अच्छा है, जो लोग कैनेडा में हैं या यूके यूएस में हैं तो आपको यहाँ से तो बहुत आराम से मिल जाएगा। और पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ से आपको चीज़ें मिल जाती हैं, और इंडिया में तो लोग जो हैं मोस्टली अमेज़ॉन से चीज़ें जो है वो बाय कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, मुझे ये यहाँ से मिला था ऑलमोस्ट $5 to $7 का, और मैं अक्सर अपनी मेकअप की जो वीडियोज़ होती हैं उनमें इसे ज़रूर पहले अप्लाई करती हूँ। तो इसे ज़रूर अप्लाई करें, ये आपके जो डार्क
स्पॉट्स होते हैं उनको लाइट करता है, और जो आपने मुझे ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो मैं ये ज़रूर अप्लाई करती हूँ। बस आपने इसको थोड़ा सा ही लेना है, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 ड्रॉप्स ले लें और इसे अच्छे तरीके से, ये भी आपकी स्किन को इवन टोन का भी ऐसा सीरम जिसके अंदर ये वाले इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि नियासिनामाइड वगैरह, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे ब्रांड्स आजकल चल रहे हैं जिनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, तो आपने ज़रूरी नहीं कि द ऑर्डिनरी का ही आपने लेना है, आप वहाँ से भी कोई भी जिसके अंदर ये वाले इंग्रेडिएंट्स हों आप ये ले सकते हैं, ठीक है जी। और आप जब स्टार्ट करेंगे तो इससे आपको थोड़ी सी ना इचिंग सी फील होगी स्किन पे ना, जैसे आपको लगेगा कि चुभ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो स्टार्ट की वजह से होता है, तो आप कोशिश करें कि आप 2-3 डेज बाद अप्लाई कर लें, फिर जैसे जैसे स्किन को आदत होगी तो फिर उसी हिसाब से कर लें, ठीक है। उसके बाद जो है मैं अप्लाई करती हूँ ये वाला सेटाफिल का डर्मा कंट्रोल, ये मॉइस्चराइज़र भी है और ऑयल कंट्रोल मॉइस्चराइज़र भी है और SPF 30 भी है इसमें, तो घर में यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा, लेकिन आप अगर बाहर जा रहे हैं तो फिर आपको SPF ज़्यादा वाला लेना चाहिए, और मेरा तो ख़त्म भी हो गया है, ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, ये देखिए, और ये मैं लगाऊंगी ना पता भी नहीं चलेगा किधर। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये कैफेन आई सीरम है, ये इनकी लिस्ट का है ये वाला आई सीरम, ये वाला, ठीक है। ये वाला आई सीरम मैं रात में भी अप्लाई कर लेती हूँ और डे में भी, ये बहुत अच्छे से आपकी आई के जो होते हैं डार्क सर्कल्स वगैरह को हाइड्रेट करता है और इनको लाइट भी करता है। वैसे तो डार्क सर्कल्स के बारे में बोला जाता है कि आपको प्रॉपर जो है वो लेनी चाहिए, नींद लेनी चाहिए और वाटर वगैरह पानी का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, वो तो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर आप आई क्रीम यूज़ नहीं करते तो आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि आपने यही वाली आई क्रीम लेनी है, आपको जो सूट करती है वो वाली आई क्रीम ज़रूर लें और डे में भी अप्लाई करें और नाइट में भी करें, तो डे और नाइट दोनों टाइम्स के लिए, इस वजह से मैं थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी लगती है, और उसके बाद आपने जस्ट इसको अपनी आँखों के नीचे इस तरह रब कर लेना, बस दैट्स इट। अगर आपके पास गोशा या जेल रोलर वगैरह है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और ये मैंने अपनी स्टोरी में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये भी मैंने एक दो दिन पहले नहीं 4-5 days पहले मैंने इसे जो है ना मंगवाया, लेकिन ये बहुत 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 अच्छी चीज़ है, आप ऐसे करके इसे अप्लाई कर सकते हैं। जेड रोलर और गोशा पे मैं किसी दिन डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, ठीक है जी। अच्छा अब आगे क्या करना है, उसके बाद ये है ऑर्डिनरी का 100% कोल्ड प्रेस्ड रोज हिप सीड ऑयल, ये भी ऑर्डिनरी का है, अगर आपको ऑर्डिनरी की प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही तो आप यही वाले जिनमें ये वाले इंग्रेडिएंट्स हों या ये वाले जो हैं हों 100% जिस तरह ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो इस तरह के सीरम बना रहे हैं, तो आपको जो जिसके अच्छे रिव्यूज़ हैं वो ले सकते हैं, लेके अप्लाई कर लें, ये बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पे जिनकी स्किन डल है, ड्राई है, पैच वाली स्किन है जिनकी, और ऊपर से जो है डार्क स्पॉट्स हैं उनके लिए कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो है ये बहुत अच्छा है, तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा दूसरा जो है ये है एक्रोबिक एसिड 8% एंड अल्फ़ा आर्बिटन 2%, और ये जो हैं जो आपको अपने रूटीन में ज़रूर रखना चाहिए, ये वाले प्रोडक्ट्स जो हैं ये इतने में ही मिलते हैं, ये मेरे ख्याल में $5-7 में मिलता है, और ये भी 8-9 में और कोई 7-8 में इस तरह से मिल जाते हैं, तो इन सब के लिंक मैं नीचे डाल दूँगी आपको। कोशिश करें कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं कनाडा वगैरह में, आप लोग प्रोडक्ट्स ऑर्डर करें, अमेज़ॉन से नहीं करें, आप लोग जो इनकी ब्रांच है या सेफोरा वगैरह से आप लोग करें, आप लोग अमेज़ॉन से नहीं करें, क्योंकि अमेज़ॉन पे बहुत सारे जो है ना फेक भी हैं ऐसी चीज़ें प्रोडक्ट्स वगैरह, तो उनके रिजल्ट अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो वैसे भी जैसे ऑर्डनरी वगैरह के मॉल्स में जो है पूरे पूरे स्टोर्स बने हुए, आप वहाँ से जाके बाय कर लें, आराम से मिल जाएंगे, बिल्कुल। जो मॉइस्चराइज़र है उसे लॉक करने के लिए मैं ज़्यादा जो है ऑयल बेस्ड सीरम अप्लाई करती हूँ, तो ये जो है एक्रोबिक एसिड और कोल्ड प्रेस्ड रोज हिप सीड ऑयल, ये दोनों जो है ये
और ना चाहिए। जिन ऑयली है वो तो ये वाला सीरम ज़रूर अप्लाई करें। खुद बनाई थी लिप बाम और ये बहुत 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 ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब 100% इफेक्टिव है। अगर आप ये यूज़ करते हैं ना तो अगर आपके होंठों पे डार्क स्पॉट्स वगैरह हो जाते हैं, ब्लैक ब्लैक से यहाँ यहाँ से मोस्टली हो जाता है, तो ये उसको बिल्कुल रिमूव कर देगा। तो ये मैं तो यही यूज़ करती हूँ अपनी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग बना लें, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। स्क्रब भी अंदर ही है और बाम भी अंदर ही है, तो आप बनाएं और इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा और मेरे साथ अपने रिजल्ट्स शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ जी, तो लास्ट पे मैं आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट शेयर करना चाह रही हूँ जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले बाय की थी, और ये है बटर बेस की, ये देख सकते हैं आप बटर बेस, और ये है मॉइस्चराइज़र। इसके ऊपर लिखा हुआ है टिंटेड मॉइस्चराइज़र विद ग्रीन टी, और ये ऑलमोस्ट जो है ना बेस, जिस तरह कह सकते हैं फाउंडेशन या बीबी क्रीम बोल सकते हैं, हाँ बीबी क्रीम की तरह है। आप इसे अप्लाई करेंगे, ये स्पेशल उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। आप ये ज़रूर लें और अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसको लगाने के बाद ना आपको बेस की ज़रूरत नहीं पड़ती इसका अपना, और ये देखें, और सच में इस तरह से आपकी स्किन के साथ मैच होती है ना, ये देखें। हाँ जी, तो फिर कैसी रही आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बने वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और आप अपनी स्टोरी मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे DM कर सकते हैं, और उसका इंस्टाग्राम का लिंक मैं इधर कॉर्नर में सुट दूंगी और आप लोग ने वहाँ से चुक लेना है, ठीक है जी। और अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, और बहुत शुक्रिया अपने इतने कीमती टाइम में से मुझे इतना सा टाइम देने के लिए, मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए। और खुश रहें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, रब रखा।